चलते अंदर ही। उनके साथ उनका हो गए इस हेलो YouTube फैमिली, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। और शाम के बज गए हैं 6:30, गुड इवनिंग। तो भाई अभी पता चला कि कुमार विश्वास आने वाले हैं, भाई साहब ने बताया कि कुमार विश्वास आने वाले हैं और नुवाइस में। तो भाई पहले से कोई तैयारी नहीं थी, पता भी नहीं था कि आज आने वाले हैं, तो पास वगैरह तो नहीं ले पाए। देखते हैं चल के, भाई चलना तो भाई जब आ रहे हैं वही इटावा में है, तो भाई देखेंगे चल के। अभी फिलहाल हम इटावा में, तो आज चलते हैं, बस रेडी होते हैं, 6:30 बज गए और 8:30 बजे आ जाएंगे। तो भाई अब चलते हैं फटाफट नुवाइस, देखते हैं क्या सीन है और पास लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, अंदर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं पता, बस इतना पता कि आ रहे हैं। तो उम्मीद हमारी यही रही है हम आपको दिखा सकें, ठीक है। चलते हैं फटाफट, रेडी होकर आपको मिलते हैं नुवाइस पंडाल में चल के, और क्या सीन होने वाला है वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते, प्लीज पूरा वीडियो देखा करो और सब्सक्राइब भी कर दिया। चलो फटाफट चलते हैं। तो भैया अभी हम चल रहे हैं अंदर कुमार विश्वास करके, हाँ कुमार विश्वास, चलते हैं अंदर। चलते हैं अंदर, इंटर करते हैं। ये देखो भाई कितना लंबा भीड़ लगा हुआ है, उधर से लोग देख रहे हैं भाई कहां से अंदर। तो भाई भीड़ देखो कितनी ज्यादा, अभिव्यक्ति डॉक्टर कुमार विश्वास ने यहां दी। मैं अपने आदरणीय सांसद जी से आग्रह कर रहा हूं कि सांसद जी मंच पर आ जाएं, उनके आने के साथ ही इटावा में कविता का कोई दीप जलता है, और वे ये उनका विनय है कि नीचे बैठ के सुनना चाहते हैं, लेकिन हम सबका गौरव यह है कि ऊपर आए और हमारे मेहमान लोग आए हुए हैं उनके साथ उनका इस कल सम्मेलन के शुभारंभ। चलो फिर आप कभी सुन लें उनकी, नहीं हमारे संगठन पर हमारे मंत्री जी का स्वागत करेंगे। उन्हें बुके प्रदान करेंगे और डॉक्टर कुमार विश्वास जी का स्वागत अभिनंदन सम्मान हमारे अन्य कवियों का स्वागत हमारे कवियों का स्वागत सत्कार। हम जानते हैं ये लोग कविता सुनने आए हैं, भाई प्रशांत जी तो गगन है, गगन चौहान तो इंद्रपुरी जी भाई जब दूर हुआ है सीटें जब खाली है कविता में, और श्रोताओं के बीच बहुत व्यापार नहीं होना चाहिए,
स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला है। और भी सम्मानित कवि मंच पर है और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हमारे भाई आदरणीय देवी सिंह जी मंच पर है। मैं आपके और कविता के बीच में कोई व्यवधान नहीं बनना चाहती, लेकिन आदरणीय कुमार विश्वास को रात में जब नींद खुल जाती है तो सर्च करके उनकी कविताओं को देखने का काम करती हूँ। बहुत अच्छा बोलते हैं सनातन धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, इस देश की समस्याओं पर, और आज वो विचारा पर आए हैं, इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ उनको अपना प्रणाम निवेदन करते हुए उनका महाकवि और हिंदी के समस्त हस्ताक्षर जिनकी कविताएं सुनने के लिए लोग आपने मन जाए हमारे इस लोकसभा के सम्मान सांसद